Assalamualaikum viewers, welcome in lesson. I'm Niro. आज हम बात करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी जो लास्ट चैप्टर है दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख. ऑल्दो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया हमारी ज्योग्राफी जो नई न्यू कोर्स सिलेबस बुक आई है जेके बोस की तरफ से. तो उसमें जब एट द एंड है आपको ज्योग्राफी क्लास 9th की बुक में, ठीक है. अब इस चैप्टर में आपको क्या डिस्कस करना है वो सारा इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे. इसके दो पार्ट आएंगे. पार्ट 1 में हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे और क्या क्या होगा वो सारा डिस्कस करेंगे. और पार्ट 2 में हम फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इन द एंड सारे चैप्टर्स की जो ग्लॉसरी है वो उसके लिए अलग वीडियो आएगा. दिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस ज्योग्राफी पार्ट 2 ऑफ द जेके एंड लद्दाख जो ज्योग्राफी इसमें हमें पढ़नी है लेसन में. अब इस ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है यानी लद्दाख हमें क्यों डिस्कस करना है, हमें ज्योग्राफी ऑफ जम्मू क्यों डिस्कस करना है, हमें कश्मीर की ज्योग्राफी क्यों डिस्कस करनी है. एक्चुअली बच्चों के अंदर बहुत नई चीजें इंट्रोड्यूस करना, सिलेबस के अंदर नया नया लाना वो एक बहुत रिइंफोर्स करता है स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट की तरफ. नंबर 2 जब स्पेशली आप अपने स्टेट की बात करेंगे तो उसकी ज्योग्राफी पढ़ना, उसकी हिस्ट्री पढ़ना, उसका जो तमद्दुन तहजीब है वो डिस्कस करना या उसकी जो लोकेशन है लेटिट्यूडनल लोकेशन लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन उसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, उसके रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, व्हाई दिस रीजंस डिफर फ्रॉम ईच अदर उस सारा जो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर. ऑल्दो क्लास 9th के इसमें सारा जो भी डिस्कस किया हुआ है एज पर स्टैंडर्ड डिस्कस किया हुआ है और हायर लेवल्स की तरफ जितना हम जाएंगे तो वहां पे डिस्कस ज्यादा डीपली होता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ये क्वालिफिकेशन कहलाता है इस जो बुक है इन पार्ट 1 पार्ट चैप्टर की तरफ मुड़ते हैं. तो ये है हमारा चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पार्ट 7 दैट इज चैप्टर नंबर 7. ओके अब इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी होता क्या है. तो वर्ड ज्योग्राफी जो है इसकी क्या मीनिंग है, ये है क्या. ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है ज्योग्राफिया विच लिटरली मीन्स द अर्थ डिस्क्रिप्शन. जो अर्थ डिस्क्रिप्शन है इसमें साफ पढ़ना होता है किसमें ज्योग्राफी में. तो आया कहां से ये वर्ड, ग्रीक से यूनान से. अब मैंने कहा अर्थ डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. अर्थ डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, इट्स रिगार्डिंग द इनहेबिटेंट्स ऑन दिस अर्थ प्लस द इट इज कॉल्ड आल्सो द अर्थ साइंस. व्हाइल यू डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स यू डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर यू डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ यू डिस्कस अबाउट द फ्लोरा एंड फौना that is biodiversity and plus there are a lot of things that are introduced nowadays in this geography. So the word geography was first used by Eratosthenes. उसका नाम था Eratosthenes जिसने word use किया geography का, ठीक है. वो 276 BCE में पैदा हुआ, 194 BCE में उसकी death हो गई. Okay. तो आजकल की ज्योग्राफी जो है उसके दो हिस्से हैं यानी दो डिविजन्स में उसे तकसीम किया गया है, एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके अब यहाँ डीप नहीं जा सकते हैं, अब हमें चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहिए. ज्योग्राफी जो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख की ये क्या है, कैसे है, ये सब डिस्कस करते हैं. अगर आपको अब इसको अंडरस्टैंड करना है कैसे, जो जम्मू एंड कश्मीर है इट इज अ डिस्प्यूटेड पार्ट इन एशिया बट इस डिस्प्यूटेड पार्ट में अगर आप इसकी फिजिकल लोकेशन देखोगे जो एक्चुअल मैप है इंडियन मैप के अंदर इसकी जो नेबर्स हैं नॉर्दर्न साइड से पहले इंडिया को लोकेट करता है यानी टॉप जो साइड इंडिया का जो मैप है उसके टॉप पे है जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहली स्टेट है. इसके बॉर्डर्स है वेस्ट से पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ और इसके जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड से जो बॉर्डर्स है वो चाइना के साथ है और तिब्बत और जो साउदर्न साइड से इसके बॉर्डर्स स्टेट ऑफ हरियाणा पंजाब. ओके तो अब ये इसकी जो लोकेशन है ये मैंने आपको बता दी फिजिकल लोकेशन, ठीक है.
अब इस वाले एरिया में जो डिविजन्स फिजिकल फीचर जिसको हम कह सकते हैं वो तीन है, एक जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, और इसके अलावा अगर जो डिविजन है वो सारा हम डिस्कस नीचे करेंगे क्योंकि इसमें कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है अंडर चाइना एंड पाकिस्तान वो भी सारा इसमें डिस्कस आएगा, वो सारा हम इसमें देखेंगे कि हम क्या डिस्कस करना है। तो अभी तक मैंने जो डिस्कस किया वो आपके बैकग्राउंड में यानी मेरी स्क्रीन के बैकग्राउंड में भी आपको नजर आ रहा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, आपकी बुक अगर है आपके सामने वहां से भी आप पढ़ सकते हो। अब पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फिजियोग्राफी क्या होती है? फिजियोग्राफी हम देखेंगे क्या क्या इसमें शामिल है और इसका मतलब है क्या। तो फिजियोग्राफी होता है सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन जनरल। तो इसमें हमें सारा किसका डिस्कस करना है? नेचर ऑफ फिजिकल फीचर्स वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पहले यूनियन टेरिटरी नहीं थी ये, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ब्रिटिश से पहले इस्टवाइल ठीक है, उससे पहले प्रिंसली स्टेट, उसके बाद फिर इंडियन डोमिनेंस के यानी यूनियन के साथ और पाकिस्तान का हिस्सा जो है अंडर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान वो वहां पे है, और तीसरा जो है एक्साइशन वो पाकिस्तान के बाद चाइना के पास है ठीक है, इनहेबिटेड एरिया है वो, पर जो इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया है उसमें तीन डिविजन मेजर डिविजन, नंबर वन इज कश्मीर सॉरी जम्मू, नंबर टू नंबर वन इज कश्मीर सॉरी जम्मू, नंबर टू इज कश्मीर, नंबर थ्री इज लद्दाख। अब इस जम्मू में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं और लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये तो अलग फिजिकल इसकी जो जियोग्राफी आएगी। मगर अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, फिजिकल फीचर्स यानी रिलीफ फीचर्स जो है इसके रीजन्स के वो भी डिफरेंट है, जम्मू के डिफरेंट है दैट ऑफ कश्मीर, कश्मीर के डिफरेंट है दैट ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, एंड लद्दाख के ऑलमोस्ट डिफरेंट है फ्रॉम बोथ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है। ये फिजियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर पहले हम प्लेन्स पढ़ेंगे, फिर शिवालिक्स, फिर मिडिल हिमालयस, फिर वैली ऑफ कश्मीर, फिर लद्दाख रीजन ठीक है। ये पांच टॉपिक्स हैं जो मेरे राइट साइड में आपको नजर आ रहे होंगे, एक है आउटर शिवालिक सॉरी आउटर प्लेन्स और शिवालिक्स ठीक है, मिडिल हिमालयस, वैली ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहला टॉपिक जो है वो मेरे इस साइड से है दैट इज आउटर प्लेन्स, ऑल्दो इसका जो द क्या ई है वो थोड़ा सा स्पेस वो थोड़ा स्पेस डालिए वो बाहर गया है, ये बुक है वो बुक पे भी आपको मिला होगा। जो आउटर प्लेन्स है ये साउदर्न साइड ऑफ यूनियन टेरिटरी में है, कवर्ड बाय एलुवियल प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स यानी एलुवियल सॉइल्स ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे जब हम बात करेंगे साउदर्न जम्मू एंड कश्मीर की, जब खाली जम्मू एंड कश्मीर का मैप पढ़ेंगे उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट आता है वो कश्मीर का जो पाकिस्तान गिलगित वाला पार्ट आता है, मिडल में कश्मीर वैली आती है और ईस्ट में लद्दाख और लेह आता है और अक्साइचिन आता है, और जब साउदर्न की बात करते हैं तब जम्मू की बात हो रही है। यहाँ पे आउटर हिमालय सॉरी आउटर प्लेन्स की जब बात कर रहे होंगे तो साउदर्न कश्मीर ही होगा यूनियन टेरिटरी, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी पहले नहीं थी, पहले स्टेट थी। अब इस साउदर्न प्लेन में पहली चीज जो आती है वो इन्हीं एलुवियल एरियाज यानी प्लेन्स की बात आती है, जो रिवर्स जो एलुवियल सॉइल लेके आते हैं वो एरियाज ही एलुवियल एरियाज कहलाते हैं, प्लेन्स कहलाते हैं। कौन कौन से रिवर्स है जो इसमें बूस्ट करते हैं इस एरिया को, एक इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं प्लस ये एलुवियल फर्टाइल सॉइल लाते हैं, वो है चिनाब वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ साथ तावी रिवर ठीक है और रावी रिवर। तो तीन दरिया है मेजर रिवर्स है चनाब, तावी एंड रावी, इसमें ट्रिब्यूटरीज जो है वो छोटी छोटी होती है जो इन तीन रिवर्स को ज्वाइन करती है, ट्रिब्यूटरीज भी मैंने आपको पढ़ाया होगा अलग से। अभी आउटर प्लेन्स की जो एक्सटेंट है ये कहां तक है, ग्रेट तो तावी है, इसको तवी भी बोलते हैं ठीक है, डोंट गेस मी यू नो, इसको मेसी नहीं बनाना, इंडियन प्लेन्स ग्रेटर इंडियन प्लेन्स आपको पता है जो पंजाब हरियाणा दिल्ली आगे आगे यूपी तक ठीक है। तो ये एरिया जो है ये एक्सटेंट वहां तक है। तो पहला एक्सटेंशन जब हम देखते हैं इसका वो है रिवर चनाब से रिवर रवि के बीच में जो इसका एक्सटेंशन वो है 110 किलोमीटर का ठीक है।
जो ये रवि और चुनाव के बीच में एक्सटेंशन है ये एलुवियल प्लेन्स का, इनको उनकी लोकल लैंग्वेज में अंदर वाह या बाजू एरियाज कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ तक इसका एक्सटेंशन, किसका पहला एक्सटेंशन 110 किलोमीटर का जो रवि और चुनाव के बीच में है, ठीक है, एलुवियल प्लेन्स का। अब आ जाए नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले हम पहले इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो इसको ड्रेन आउट करते हैं, यानी इसमें जो वाटर फ्लो ऑफ वाटर है या इन एरिया से बाहर जो पानी निकलता है वो इन दो एरियाओं से जाता है, प्लस कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो वहां से गुजरती है। इन ट्रिब्यूटरीज में पहले जो नाम आते हैं वो बसंतर आती है, उज तावी एंड मनोहर तावी, तो ये चार ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटे छोटे रिवर्स हैं जो वहां से ड्रेन आउट जो इन प्लेन्स को करते हैं वाटर से, यानी ड्रेन आई मीन कि वहां से वो पानी का फ्लो आउट की तरफ जाता है, दूसरे एरियाज की तरफ गुजरता है। अब इन चार ट्रिब्यूटरीज में से जो भी ट्रिब्यूटरी जिस एरिया से गुजरती है वहां से रिवाइन जो है एक शैलो रिवाइन बनता है, यानी एरिया जो है वो ऊंचाई के बीच में से एक गली जैसे बारिश होती है, इसी तरह रिवाइन रिवरीन जो एक शैलो जैसा स्ट्रक्चर होता है इन दरियाओं का वहां से गुजरती है और फिर आगे जाके फिर स्ट्रीम्स जो है रिवर्स से मिलती है, ठीक है। अब ये जो रिवाइन है ये लोकली इनको क्या कहा जाता है, इन रिवाइन को उनको खर्च कहते हैं, क्योंकि जो जम्मू की जो लैंग्वेज है वो हिंदी या तो हिंदी भी करते हैं या तो वो डोगरी करते हैं कश्मीर भी करते हैं, तो उनके जो रीजनल एरियाज में अपने नाम इनके नाम है सॉरी वो खड्स है या खड्स है। अब ये जो रिवाइन एरियाज है जहाँ से पानी गुजरता है बाहर चला जाता है उन एरियाज में मैक्सिमम टाइम पानी तो चलता रहता है, सीजन रिवर्स है, बट उस लेवल से नहीं जाता है, इन पेबल्स पाए जाते हैं, सैंड पाया जाता है, ठीक है, और लंबी सी ग्रास या बोल्डर्स जो पत्थर के हैं ऑल्दो मेरे पास इसकी जो वहां पे जब मैं खुद गया हूँ इन एरियाज में तो आप भी अगर कभी जाएंगे जो मुझे आपको ये इजीली मिलेंगे वहां पे एक डिफिकल्ट मैंने एक टफ ट्रेन देखी जिसमें वो एरियाज के लोग जो है वो कल्टीवेशन नहीं कर पाते क्यों, क्योंकि उनकी जो सॉइल के आसपास उनमें पेबल्स हैं जो इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को इम्पॉसिबल बनाते हैं, तो टाल ग्रासेस जिनको खार कहते हैं वो पाए जाते हैं, बट जब बारिश होती है यही जो खड्स है यानी रिवाइन एरिया जो है ये पानी से इस हद तक भर जाते हैं कि फ्लडेड रिवर्स फिर बन जाते हैं, यानी फ्लो ऑफ वाटर जो इंक्रीज होता है और वाटर की जो हाइट है रिवर के अंदर वो भी इंक्रीज होती है, फ्लो भी इंक्रीज होता है, तो दोनों सूरतों में क्या होता है ये एरिया फ्लडेड हो जाते हैं पानी से, तो उस वक्त इनको नालाज कहते हैं, ठीक है। तो नालाज जब बनते हैं वो तब बनते हैं जब पानी भर के होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इस रिवाइन एरिया में कौन कौन से एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है, जहाँ पे कल्टीवेशन को जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो पहला जो नाम लिखा है आपकी स्क्रीन पे है वो कठुआ है, अखनूर है, हीरानगर है, बिश्नोई और सुरा ये बॉर्डर एरिया है, और सुरा और दुमान ये पार्ट्स ऑफ जम्मू है जो इसके आस पास कल्टीवेशन करते हैं और इन रिवर्स और ट्रिब्यूटरी से मुस्तफीद होते हैं बाय इरिगेटिंग देम, देम मींस लैंड्स देयर लैंड्स। एक तालाब टिल्लू गांधीनगर और ये ऊपर लिखा है सतवारी जो एरिया है ये बिलोंग करते हैं आउटर प्लेन्स, क्यों आउटर प्लेन्स, क्योंकि जिनका एलिवेशन है वो है फर्टाइल प्लेन्स का 330 से 360 मीटर तक का अबव द मेन सी लेवल, ठीक है। ये आउटर प्लेन्स जो है ये मेन सिटी से गुजर के इन्हीं एरियाज तक है, किन एरियाज तक है तो जम्मू तालाब तिल्लू गांधीनगर और सतवारी एरिया। ये था एक टॉपिक जिसको हम द आउटर प्लेन्स कहते हैं, इसमें हमें दो चीजें पढ़ी, एक जो रिवर्स से ट्रिब्यूटरीज गुजरती है वो किस नेचर की है नंबर टू, और वो मेजर रिवर्स है ये भी पढ़ा, नंबर टू क्या पढ़ा इन एरियाज में जो नेचर ऑफ रिवाइन जो नालाज के आसपास जो लोग रहते हैं किस किस एरिया में वो कल्टीवेशन करते हैं और
मैक्सिमम एरिया में जहाँ पे पेबल्स बाकी जो बोल्डर्स पाए जाते हैं या खार ग्रास पाई जाती है वहाँ पे एक एशियन के बहुत वहाँ पे एक एशियन के बहुत लोगों के है लोगों के पास यानी वाटर तो अवेलेबल अवेलेबल है इंटरव्यूज में पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द स्टोन्स यानी पेबल्स और बोल्डर्स फाउंड इन द रिवाइंड एरियाज तो मेरे ऊपर डीडी नो का एक पॉइंट दिया हुआ है वो आप खुद पढ़ सकते हो लिखा हुआ है बुक से भी आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट जो है वो इस साइड से है टॉपिक नंबर 2 दैट इज शिवालिक्स नाउ ये शिवालिक जो है हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम सी यू टिल देन